अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, जिस जगह पर आप लोग इस वक्त मुझे बैठा हुआ देख रहे हैं और ये तीन हज़रात मेरे साथ जो हैं, तो इन लोगों से मेरा रابطہ माशाल्लाह बहुत पुराना है। और इस वक्त मैं जो बैठा हुआ हूँ वो एक मदरसा है। इस मदरसे की बहुत सारी ख़ास बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहली बात तो ये कि आप ये समझ लें कि जब आप इस मदरसे में देखेंगे क्या निज़ाम ये हज़रात चला रहे हैं, तो माशाल्लाह तबीयत खुश हो जाती है। बच्चे ऐसे कुरान मजीद पढ़ते हैं कि माशाल्लाह बस सुनते ही चले जाओ। आज मेरी कॉल पर तो सलाम दुआ होती रहती थी, आज मेरी हमारे मुफ्ती अरशद साहब और मुफ्ती कासिम साहब से मेरी ये पहली मुलाकात है और बहुत गहरा ताल्लुक था, और आज माशाल्लाह मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये सारी चीज़ें जो खिदमत खल्क की लाइन से, तालीम की लाइन से कर रहे हैं, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि एक छोटी सी जगह में चलने वाला इदारा, लोग कहते हैं ना बड़ी जगह चाहिए, बड़ा सेटअप चाहिए। मेरे भाई, इरादे बड़े होना चाहिए, चीज़ें छोटी भी क्यों ना हो ना, इरादे अगर बड़े हैं तो वो काम छोटी छोटी जगहों से हो जाते हैं जो बड़े बड़े इदारे नहीं कर पाते। बहुत अच्छा लगा है यहाँ का तालीमी निज़ाम देखकर और यहाँ के लोगों की मेहनत देखकर, असातिज़ा की मेहनत देखकर। मैं इस वक्त दिल्ली और आसपास के इलाके में रहने वाले जितने भी अहले खैर हज़रात हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा किसी गरीब बच्चे की तालीम पर खर्च हो, है ना, किताबों पर खर्च हो, ऐसे गरीब बच्चे जो तालीम हासिल करने की वजह से रुक जाते हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, भाई आइए और मुफ्ती कासिम साहब के साथ मिलकर माशाल्लाह एक बहुत बड़े इरादे जो लेकर ये बैठे हुए हैं उसमें शरीक होइए। आप जिस लाइन से भी अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, मैं जल्दी से अपील नहीं करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम अपील कर रहा हूँ, आप यहाँ आइए। अभी मुफ्ती साहब बताएंगे कि कहाँ पर मुफ्ती साहब का मदरसा है, नाम क्या है। यहाँ आइए और यहाँ का पूरा निज़ाम देखकर अपनी पसंदीदा जगह पर पैसा खर्च कीजिए। यह आपके लिए एक बेस्ट गुड अपॉर्चुनिटी है जो इस वक्त मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मुझे तो पर्सनली आप लोगों से मुलाकात करके माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के बाद मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुफ्ती साहब की ससुराल असलन दिल्ली की है और चूँकि पुराना इनसे रबता है, ये यहाँ आते रहते हैं, स्टेटस वगैरह से अपडेट मिलती रहती थी। मैंने बहुत मरतबा इनसे बिल इसरार कहा कि आप तशरीफ़ लाइए, खिदमत का मौका दीजिए, लेकिन चूँकि ये मशगूल आदमी हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो तरतीब नहीं बन पाती थी इनकी। लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि इन्होंने अपना वक्त फारिग किया और माशाल्लाह तशरीफ़ लाए। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अल्लाह ताला का इस नियामत पर शुक्रगुज़ार बनते हैं और शुक्र अदा करना भी हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपने जो मकसद हयात है उसकी तरफ हमें लगाए रखा है। मैं अभी मुफ्ती साहब से यही बात कह रहा था कि हम अल्लाह ताला का इस नियामत पर जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है कि हम हाफिज़ और आलिम बनने के बाद जैसे भी बने, कम से कम उस मकसद में जुड़ गए जिस मकसद में उलमा को जुड़ना चाहिए। यानी अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मस्जिद मदरसे की लाइन से हम जो भी टूटी फूटी हमसे खिदमत हो रही है, इसको खिदमत तो हम नहीं कह सकते लेकिन कोशिश हमारी जारी है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला बस मरते दम तक हमें इस दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले और इसको हमारे लिए अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जहान का ज़रिया बनाए। बाकी रहा यहाँ का तालीमी निज़ाम, तो मैं मुख्तसरन एक दो मिनट में ये बात कहूँगा। पहले जो है वो एड्रेस बताएं। अच्छा, ये हमारा जो मदरसा है ये ओखला में जो शाहीन बाग का इलाका है, सारी दुनिया में फेमस हुआ धरना की वजह से, तो उससे तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर अंदर एक जगह है, जैतपुर खड्डा कॉलोनी भी इसको कहते हैं। वहीं एक मस्जिद है जिसमें मैं इमाम ख़तीब भी हूँ, हनीफा मस्जिद, जहाँ से मेरे यूट्यूब पे बयानात भी आते हैं लाइव जुमे को। उसी मस्जिद की बगल में ये D913 एक बिल्डिंग है, उसी में हमारा ये इदारा चलता है। और इसमें तालीम का निज़ाम खुलासतन ये है कि दर्जा नाजरा और हिफ्ज़ की तालीम है, और दर्जा नाजरा और हिफ्ज़ के साथ साथ हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के मुताबिक यानी NCERT की बुक्स हम पढ़ाते हैं, 8th क्लास तक का निज़ाम है। और उसके बाद में जो बच्चे हाफिज़ बनकर के आलिम बनना चाहते हैं, तो आप जानते होंगे कि 8 साल का वो निज़ाम है, तो हमने उसके शुरू के 2 साल का यहाँ नज़्म कायम किया हुआ है, यानी अरबी अव्वल और अरबी दोम। और ये मुकम्मल निज़ाम दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक है।
अलबत्ता हमने उसमें कंप्यूटर और इंग्लिश, साइंस और मैथ, ये चार सब्जेक्ट ऐड कर रखे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये टीचर लोग पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे महसूस होती है और ये मैं अल्लाह की नियामत समझता हूँ इसी इदारे पर, वो ये है, पुराने लोग कहते भी हैं कि कोई काम अगर आपको अच्छा करना हो तो उस लाइन के बड़े माहिर लोगों के मशवरे से आप काम करें। तो चूंकि ये इदारा है तो हम दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक इस इदारे में काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इस इदारे के सरपरस्त हैं हज़रत अक़दस मौलाना सलमान साहब बिजनौरी नक्शबंदी, जो दारुल उलूम देवबंद के उस्तादुल हदीस भी हैं, वहाँ की मंथली मैगज़ीन के चीफ एडिटर भी हैं और मशहूर बुज़ुर्ग पीर ज़ुल्फ़िकार साहब के खलीफा भी हैं, वो हमारे इदारे के सरपरस्त हैं। और हमने तरतीब तालीम की ये बनाई है कि दर्जा हिफ्ज़ और नाजरे के जो असातिज़ा हैं हमारे, वो दारुल उलूम देवबंद के जो असातिज़ा हैं, क़ारी इक़रार साहब, क़ारी आफ्ताब साहब, वही भेजते हैं, वही उनका सिलेक्शन करते हैं। और दर्जा नाजरे और हिफ्ज़ के तमाम इम्तिहानात का जायज़ा भी वो हजरात ख़ुद लेते हैं, यानी उनके मुताबिक पूरा ये निज़ाम चलता है। और अगर अरबी दर्जात की हम बात करें तो उनमें मुफ्ती नादिम साहब दामत बरकातहुम, जो अद्दुरुसुन नहविया अरबी वाली किताब के मुसन्निफ़ हैं, और भी कई किताबें हैं उनकी, और मौलाना मोहम्मद अली साहब जो अद्दुरुसुन नहविया के मुसन्निफ़ हैं, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हैं, और मुफ्ती सफवान साहब, मुफ्ती ज़कवान साहब, ख़ुद हमारे हजरत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातहुम, ये हजरात हमारा तालीमी निज़ाम देखते हैं, तालीमी बॉडी है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश चूँकि हमने इसमें ऐड कर रखी है, तो दारुल उलूम देवबंद के जो इंग्लिश के उस्ताद हैं मौलाना अब्दुल मलिक साहब दामत बरकातहुम, वो हमारा पूरा इंग्लिश का निज़ाम देखते हैं। तो ख़ुलासा ये हुआ कि हमारे मदरसे का शुराई निज़ाम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता शुरा है, और मजलिस तालीमी भी है जिसमें असातिज़ा दारुल उलूम देवबंद भी हैं और हम भी हैं, और सारा निज़ाम हम मशवरे से तय करते हैं। एक आखिरी बात ये कि मैं जो महसूस करता हूँ कि इदारे के अंदर हमने शख्सी निज़ाम कायम नहीं किया, और मैंने ये बात बहुत सारे अपने बयानात में मदरसे के कही भी है और मैं इस पर कायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे कायम रखे, कि ये इदारा वो नहीं है कि हम लोगों के तआवुन से इस इदारे का निज़ाम चलाएं और लोगों के इदारे से इसका तामीरी निज़ाम भी मजबूत करें और बाद में मेरे मरने के बाद ये हो कि साहब घर के लोग आ जाएं कि ये मेरा है, हमारे ने शुरू किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बाद में इस इदारे को कौन चलाएगा, किस उसूल पे ये चलेगा, क्या निज़ाम होगा, ये सब हमारी शूरा देखेगी, यानी मौलाना सलमान साहब दामत बरकातहुम और असातिज़ा दारुल उलूम ही मुतय्यन करेंगे कि इसको किस रुख पे जाना है। ये मेरी एक नियत है जिस पर मैं बार बार अपने आप को टटोल के ठीक पाता हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस पर कायम रखे। और आप लोगों से दुआ है कि असल तो अल्लाह के यहाँ मकबूलियत है कि अल्लाह ताला अपने यहाँ इसको कबूल कर ले और इसको हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई का जरिया बनाए। और एक सबसे अच्छी बात मुफ्ती साहब के मदरसे की ये है कि यहाँ जैसे आमतौर पर वालिदैन कहते हैं अरे भाई बच्चा हिफ्ज़ करेगा तो भाई स्कूल की पढ़ाई का क्या होगा। यहाँ मुफ्ती साहब ने मुझे दिखाया बताया कि बच्चा हिफ्ज़ के साथ साथ और नाजरे के साथ साथ जो है कई घंटे जो हैं वो दुनिया की एजुकेशन के भी हैं, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है, मुफ्ती साहब यही सारा सीन है। जी हाँ, मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा, ये मुफ्ती साहब ने शुरू कर दी तो कि असल में एक कड़वा सच ये है कि आजकल मैं 90% कहूँगा उलमा भी अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते, 10% है जिनकी कुढ़न फिक्र और लगन यही है कि बच्चे को हम हाफिज़ और आलिम बनाएंगे और दीन का खादिम बना के वक्फ कर देंगे। लेकिन अगर आप तहकीक करेंगे, मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा, बहुत तहकीक के बाद कह रहा हूँ, अच्छे खासे उलमा भी जिनकी तादाद मेरे अपने सर्वे के मुताबिक 90% तो होगी, पता नहीं आप लोगों की इससे मुत्तफिक होंगे या नहीं, जो ख़ुद हाफिज़ और आलिम नहीं बनाते, हाफिज़ तक तो रखते हैं फिर वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को बस हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाएंगे। वजह उसकी मस्जिदों के वबाल, मदरसों की बेजा सख्तियाँ, परेशानियाँ, उलझने, ये सब चीज़ें, ये अलग टॉपिक है जिस पर कभी बात करेंगे खुल के, चाहता भी हूँ मैं क्या करूँ। लेकिन यहाँ तक अक्सर मुसलमान ये चाहते हैं 99 नहीं बल्कि मैं कहूँगा 100% कि हमारा बच्चा हाफिज़ ज़रूर बने, दीनदार ज़रूर बने। तो हमने कोशिश की कि अपने यहाँ
दर्जा हिफ्ज के साथ साथ नाजरे के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के मुताबिक हम बच्चों को सिलेबस पढ़ाएं, ताकि बच्चा जब हाफिज कुरान बने तो उसके बाद में उसके और उसके गार्जियंस के सामने ऑप्शन हो कि वो बच्चा चाहे तो दुनियावी लाइन में चला जाए, नीट क्वालिफाई करे, डॉक्टर बन जाए, या यूपीएससी क्लियर करे, आईएएस आईपीएस बन जाए, उसके इख्तियारात हैं। तो इसके लिए अल्लाह का फजल हम पे ये रहा कि हमने जो दुनियावी यूनिवर्सिटियां हैं उनके माहिरीन को अपने मशवरे में लिया। चुनाचे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं मुफ्ती उबैदुल्ला साहब दामत बरकातहू, जो दारुल देवबंद के एक्स टीचर भी हैं, और जेएनयू से हमने डॉक्टर जलीस अख्तर नसीरी साहब को लिया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मिर्ज़ा महमूद साहब को, चूँकि मेरा पीजी चल रहा है वो मेरे उस्ताद भी हैं, और जामिया मिलिया से हमने सईद अनवर साहब को लिया जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, और हमदर्द यूनिवर्सिटी से हमने शहजाद अहमद साहब को लिया, डॉक्टर शहजाद साहब प्रोफेसर है हमदर्द यूनिवर्सिटी में। इनके अलावा हमने दिल्ली को हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट से एडवोकेट सेफ साहब को लिया, और एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी लिया इसमें, डॉक्टर फैसल मंसूर अंसारी साहब को, और एक जमील भाई हैं हमारे, और एक हमारे जैनुल भाई हैं, दोनों इंजीनियर हैं, और एक यूपीएससी क्वालिफाइड हमारे दोस्त हैं रिजवान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको भी लिया, जो आईआरसी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर है दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इन लोगों से इनफरादी तौर से भी मशवरे करते रहते हैं कि भाई हम अपनी उस तालीम को कैसे मजबूत करें कि बच्चे हमारे इंग्लिश में भी और मैथ में भी, साइंस में भी, केमिस्ट्री में भी, और इन सब चीज़ों के अंदर जो दुनियावी सब्जेक्ट हैं उनमें कैसे माहिर बने। तो ये एक हल्की सी कोशिश हमने शुरू की है, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, कोशिश है, और ऐसा लगता भी है कि शायद काफ़ी हद तक ये कोशिश कामयाब भी है। तो दुआ करें आपके अल्लाह ताला इस कोशिश में हमें कामयाब फरमाए, ताकि हमारे ये बच्चे हाफिज बनकर के अगर आलिम ना भी बने तो दुनियावी लाइन में आगे जाएं, लेकिन दीनदार ज़रूर बने, ताकि दीनदार बनेंगे तो अगर ये वकील भी होंगे, जज होंगे, आईएएस आईपीएस होंगे, या डॉक्टर भी होंगे, तो दीनदार होने की वजह से, हाफिज होने की वजह से ये इंशाल्लाह एक तो इधर उधर नहीं जाएंगे और मुस्लिम कौम के लिए ये ज़रूर कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे, ये हमारी तमन्ना है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि माशाल्लाह बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और आप कभी आइए, विज़िट कीजिए, माशाल्लाह वाकई तबीयत खुश हो जाती है। हम शुक्रगुजार हैं मुफ्ती साहब के भी, और शुक्र इसके लिए कि माशाल्लाह मोहब्बत के बदले मोहब्बत, और इतनी अपनाइयत, इतनी मोहब्बत, एक बड़ी चीज़ होती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। हम इंशाल्लाह मैं आपको क्लासेस भी दिखाऊंगा, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। आप लोग दुआ दे दीजिए, है ना, और कभी आके ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत एक आपको मज़ेदार यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मिलने वाला है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, और आप चाहोगे यार हमारे बच्चे टोपी कुर्ता पजामा पहन कर एक दीनी माहौल में दुनिया में भी आगे पढ़ें, दीन में भी आगे पढ़ें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सभी हज़रात के लिए दुआ कीजिए, है ना। अब आइए आप लोगों को क्लासरूम दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह पढ़ाई चल रही है ज़बरदस्त वाली। ये हिफ्ज़ है, ये हिफ्ज़ की दरसगाह है, ये देखिए आप, ये भी हिफ्ज़ की है, ये नाजरे की है, ये देखें माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बच्चे जो है माशाल्लाह नाजरा पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ की दूसरी दरसगाह। अच्छा, ये हिफ्ज की दूसरी तरह से का, ये हिफ्ज का आप समझ लें क्लास बी। ये हमारे कासिम भाई की और अरशद भाई की, ये हमारे मुफ्ती अरशद साहब और ये हमारे मुफ्ती कासिम साहब माशाल्लाह। और देखें बच्चों के लिए आराम के लिए बड़ा कूलर वगैरह भी लगा हुआ है जी। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह, ये इन दोनों हजरात का लगाया हुआ गार्डन है जो माशाल्लाह पूरा महक रहा है। ये अच्छा बच्चों के वो सामान वगैरह रखने का ये लॉकर है बच्चों का, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, नायब वाइस प्रिंसिपल माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। और इन लोगों की आप सादगी देखें माशाल्लाह, लग भी नहीं रहा है कि ये सब लोग जो है ना कोई उस्ताद है और कोई मोहतम है, पता ही नहीं चल रहा है। वरना आमतौर पर प्रिंसिपल साहब अलग ही नज़र आ रहा होता है ना। सामने जो बोर्ड लगा है
जीने भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया हैं। ये देखिए आप, ऊपर बोर्ड लग रहा है कासिम इंटरनेशनल स्कूल, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब आइए ऊपर आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ का वुजू खाना है, सफाई सुथरा का भी, सुथराई का भी माशाल्लाह ख्याल रखा गया है। ये बच्चों के लिए वुजू खाना है और ये यहाँ पर नमाज होती है। ये मस्जिद भी है और दरसगाह भी है, देखिए ये मस्जिद है। ये 70 बच्चे यहाँ रहते हैं, 82 बच्चे रहते हैं। और ये जगह कितनी है वैसे अगर बताएंगे आप? मेरे ख्याल में 250 गज के एरिया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 250 गज के एरिया में माशाल्लाह 80 बच्चे रह रहे हैं, जिसके लिए लोगों ने माशाल्लाह दो दो बीघा, तीन तीन बीघा जगह लेके भी पढ़ाई का नज़्म वो नहीं होता है। तो कुल मिला के ये है कि बच्चों को अगर पढ़ाने का इरादा आपका है, इरादे बुलंद हैं, तो अल्लाह ताला फिर छोटी छोटी जगहों से भी माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम लेता है। चलिए मुफ्ती साहब, किसी बच्चे से थोड़ा सा कुरान सुनवाएं। और ये देखें, ये कंप्यूटर लैब भी है। ये देखिए आप कितना बेहतरीन तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है। ये आप देखेंगे तो ये पूरी कंप्यूटर लैब है। 1, 2, 3, 4 तकरीबन 8, 9 जी। हमने कंप्यूटर के साथ साथ 6 लैपटॉप भी लिए। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, देते हैं काम के बाद में। बहुत अच्छा, जमाने की जरूरत है इससे भी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बच्चों को उसका आदत। सारे काम मुफ्ती साहब ऑनलाइन हो रहे हैं। हां सही बात है, पैसे से लेके पासपोर्ट और सब टिकट विकेट सब ऑनलाइन चल रहे हैं। ये सजेशन बॉक्स है जो आमतौर से नहीं होता है। बहुत अच्छे से माशाल्लाह मैनेज किया गया है। आपको कुछ बोलना है तो आप यहाँ पे जो है ना, कॉल आती है तो इस पर बात करते हैं। ये बच्चों के लिए रखा हुआ है और आपने उम्दा मशवरों से आप यहाँ नवाज सकते हैं। यहाँ लिखे डाल जाइए या वैसे ही बता दीजिए। ये हमने इसलिए लगाया है कि हम जब शुरू साल होता है सारे बच्चों को जमा करके, मैं खुद स्पेशली बोलता हूँ कि अगर आपको कोई शिकायत है, हो सकता है जिम्मेदार से शिकायत हो, सकता है कि प्रिंसिपल से, हो सकता है किसी टीचर से हो, खाना ठीक ना हो, या बिल्कुल सही बात है, बच्चे कह नहीं पाते। तो हमने उनको बोला चुपचाप अपना नाम लिखे बगैर रात में इसमें डाल दीजिए, सही, हम इसको खोलेंगे और जो आपकी बात है उस पर गौर करेंगे। हाँ भाई, सूरत कौन सुनाएगा बढ़िया तरीके से? अभी अव्वल की दरसगाह है। अच्छे से सूरत कौन सुनाएगा? कोई भी सूरत सुनाओ, चलो सुना दो जल्दी से। फरहान आ जाइए, फरहान सुनाओ जरा, फरहान बैठे सुना दो, वहीं बैठे बैठे सुना दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم। ये अरबी डोम है माशाल्लाह, देखें अरबी डोम के साथ साथ आप देखेंगे, देखें माशाल्लाह इंग्लिश की भी बुक खुली हुई है और इसमें बच्चे इंग्लिश का भी काम कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह, यही तो लोग आजकल चाहते हैं। तो भाई ठीक है, देखो आप यहाँ ऐसा नहीं, मदरसों में हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है। हाँ कंप्यूटर का क्या सुनाओगे? कंप्यूटर की तारीफ। कंप्यूटर एक लातीनी जबान का लफ्ज है, इसे कंप्यूटर से लिया गया है। कंप्यूटर इसका मतलब किसी दिए हुए डाटा को कैलकुलेट करना होता है। कंप्यूटर की मदद से हम और बहुत थोड़े वक्त में हर वो काम कर सकते हैं जिसे करने के लिए हमें बहुत सा वक्त दरकार होता है। कंप्यूटर दौरे जदीद का मुफीद तरीन और अहमियत का हामिल आला है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली वो मशीन है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को हासिल इनपुट डिवाइस से हासिल करती है और दी गई हिदायत के मुताबिक उन्हें आउटपुट में रिजल्ट देती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म।
कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज ट्रेड एडुकेशन रिसर्च। पहले समय पता चला था अच्छा ये इंग्लिश बोर्ड ये देखें आप यहाँ सारे बच्चों का ऐलान वगैरह है नोटिस बोर्ड पे ये तक लिख दिया जाता है कि बच्चों को कब उठना और सोने तक का जो एक निजाम है पूरा 24 घंटे का जी बहुत अच्छा माशाल्लाह चलिए मुफ्ती साहब अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को कबूल करे हाँ जी यहाँ बच्चे अरबी पढ़ रहे हैं हाँ भाई कुछ पढ़ के सुनाओगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सजदतु सहवी वाजिबतुन सजदा हुआ सजदतु मुजाफ अस्सहवी मुजाफिले मुजाफ मुजाफिले से मिलकर मुरक्कब में इजाफी होकर मुब्तदा वाजिबतुन खबर मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ सजदतु लफ्ज़ की दोनों किस्मों मौजू और माहौल में से मौजू है इसलिए कि मानादार लफ्ज़ है लफ्ज़ मौजू की दोनों किस्मों मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद है इसलिए कि अकेला है और एक मानबत दलालत कर रहा है मुफरद की तीनों किस्मों इस्म फ़ैल हर्फ में से इस्म है इसलिए कि इसके माना दूसरे कलमे के मिलाकर मालूम हो रहे हैं और तीनों ज़मानों माजी हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना इसमें नहीं पाया जा रहा है अलामत इस्म में से मुजाफ होना इसमें पाया जा रहा है मौरब और मबनी में से मौरब है इसलिए कि इसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहता है इसमें मैं आपको बताऊं ये जो बच्चा पढ़ रहा था अभी बता रहा था ये अब से समझ लें जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उसकी ग्रामर होती है तो अरबी की ग्रामर होती है बच्चा उसको बता रहा है कि अरबी की जो ग्रामर है उसकी ये चीज़ वो चीज़ और माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने नाश्ता पानी लगवा दिया है तो इसने भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ा था बेटा जल्दी से पढ़ो अभी सूरह इख़लास पढ़ी थी ना आपने वही सुनाओ मुझे दोबारा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ये नाजरे का बच्चा है मुफ्ती साहब और जो आप अभी बात कर रहे थे बस उस मिनट में उसको पूरा कर लेते हैं कि नाजरे में हमने बच्चों को कोशिश की कि कंप्यूटर की भी तालीम तो ये बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर के बारे में मुकम्मल जितना पढ़ाया गया है जानकारी है जरा बताओ मुख्तसर सर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड ट्रेड एजुकेशन रिसर्च फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू एंड फुल फॉर्म ऑफ RAM, Random Access Memory, Full Form of ROM, Read Only Memory. कुछ मैथ का भी थोड़ा सा सुनाओ. English medium के तरफ पे ही हम लोग थोड़ा सा मैथ के भी कोशिश कर रहे हैं. Five ones are five, five twos are ten, five threes are 15, five fours are 20, five fives are 25, five sixes are 30, five sevens are 35, five eights are 40, five nines are 45, five tens are 50. English में कुछ कलीमा सुना दो. There is no God but Allah. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. ये भाई हमारे मुफ्ती साहब की मेहनत का रिजल्ट है और आप लोग दुआ करें ये एक छोटा सा व्लॉग था जिसके ज़रिए मैंने आप लोगों से ये अपील की है कि आप या तो दुआ कीजिए और आप दीनी इदारों से मेहनत रखते हैं और चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हों तो आइए और यहाँ आके आप जितना हो सके सपोर्ट कीजिए मशवरों से सपोर्ट कीजिए दुआओं से सपोर्ट कीजिए और जिस हिसाब से भी आप चाहें आ सकते हैं मैं तो एक आखिरी बात मुफ्ती साहब ये कहूँगा कि जो लोग भी मदरसे चला रहे हैं उलमा हम बहुत छोटे से लोग हैं हमें कुछ आता जाता भी नहीं है बड़ों की निगरानी में काम कर रहे हैं बस अल्लाह कबूल कर लें जहन में ये बात है कि इस ज़माने की सबसे सख्त ज़रूरत है मॉडर्न एजुकेशन तो हम अपने अपने मदरसों के अंदर जिस मेयार का भी हमारा इदारा हो छोटी जगह में बड़ी जगह में तो ज़माने की ज़रूरत को सामने रख कर के मॉडर्न एजुकेशन को ज़रूर शामिल करें यानी इंग्लिश स्पीकिंग को कंपलसरी कर दें मैथ में अपने बच्चों को आगे लेकर के आएँ साइंस की तालीम में बच्चों को लेकर के आगे आएँ और अपने बच्चों को कोशिश करें कि सिविल की तरफ लेकर जाएँ यूपीएससी की तरफ लेकर के जाएँ इन बच्चों का अगर हमने जहन बना दिया
तो इंशाल्लाह ये कुछ कर गुजरेंगे। और आप यकीन करें, कोरोना के बाद से लोग ये कहते हैं कि बच्चे मदरसों में नहीं हैं। हमारा मुफ्ती साहब आपने देखा, जगह वगह हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप यकीन करें पिछले साल भी हमने दाखिलों का ऐलान नहीं निकाला था, बंद करने का निकाला, अभी मुफ्ती साहब ने आपको बताया। और इस साल भी सूरत हाल ये रही, यानी हम पिछले 15 दिन में दाखिले बंद कर चुके हैं, लेकिन रोजाना दो चार लोग एडमिशन के लिए आते हैं। तो अंदाज़ा ये है, बढ़ाई मारना मकसद नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि अगर हम मॉडर्न एजुकेशन को शामिल करेंगे तो हर मुसलमान आपसे जुड़ेगा। सबके दिल की आवाज़ यही है कि बच्चा हमारा हाफिज़ और आलिम भी बने और दुनियादारी भी बने, यानी दुनिया की तालीम भी है। तो यही चंद बातें थी मुफ्ती साहब का। आखिर में फिर दिल की गहराइयों से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। माशाल्लाह, हमारे इदारे की सबसे ख़ास बात यह है कि अल्लाह ने जो हमारे इदारे को मोहतमिम साहब दिए हैं, मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब, मैं ये बात बार बार कहता हूँ मुफ्ती एम कासिम साहब की मौजूदगी में भी, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इदारा चलाने वालों का जो जुनून होना चाहिए और जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा और वो जुनून हज़रत मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब के अंदर मौजूद है। यानी रात दिन इस कुड़न में रहते हैं कि तालीम को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, और बारहा इस जुमले को कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे पास, ये कौम की अमानत है, अगर हम इनको अच्छी तालीम नहीं दे पाएंगे तो अमानत में खयानत होगी, और अमानत में खयानत करने वालों का अंजाम क्या होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हमें बहुत अच्छी और बेहतर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और अमानत में खयानत से बचाए। और आखिर में मैं कहूँगा, मुफ्ती अहम कासमी साहब हमारे साथ दारुल उलूम देवबंद में भी पढ़े हैं, अगरचे वहाँ ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने बहुत थोड़ी सी उम्र में वो मकबूलियत दी है। मैं ये बात कहता हूँ बारहा कि अल्लाह ने मुझे हम असरों से हसद नहीं रखा है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ अपने हम असरों को, हम असर हैं मुफ्ती साहब। अल्लाह ने वो मकबूलियत दी है कि जिस मकबूलियत को पाने के लिए और दूसरे लोग या तो ख्याली देख सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, या सपने ही देख सकते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2 दिन पहले मुफ्ती साहब ने बताया कि हम आना चाहते हैं, तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाइएगा। और 2-3 दिनों से जितने हम खुश हैं मुफ्ती साहब की वजह से कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ ला रहे, उसको बयान ना तो किया जा सकता है और ना बयान करने का वक्त है। बयान करेंगे तो उसके लिए वक्त दरकार है। हम दिल की गहराई से मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और आपने हमारा हौसला बढ़ाया। दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, अल्लाह ताला कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।